महाभारत के सबसे खतरनाक अस्त्रों में से एक ब्रह्मास्त्र, जिसके बारे में आज हम आपको कुछ ऐसी रहस्यमय बात बताएंगे जो शायद ही आज तक आपसे किसी ने साझा की हो। आप देख रहे हैं द भक्ति। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो देर किस बात की, चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि ऐसी ही खास लेटेस्ट अपडेटेड वीडियोस आपको जानने और सुनने को मिलती रहे। दोस्तों, प्राचीन या पौराणिक काल में पांच सबसे महाप्रलयकारी अस्त्र थे, ब्रह्मास्त्र, नारायण अस्त्र, पशुपास्त्र, वज्र और सुदर्शन चक्र। आज हम आपको ब्रह्मास्त्र से जुड़ी कुछ खास बातें बताएंगे। दोस्तों, ब्रह्मास्त्र छोड़े जाने के बाद भयंकर वायु जोरदार तमाचे मारने लगती है और सहस्त्रविधि उल्का आकाश से गिरने लगते हैं। भूत मात्र को भयंकर महाभय उत्पन्न हो जाता है। आकाश में एक बहुत बड़ा छेद हो जाता है, आकाश चलने लगता है, पर्वत अरण्य वृक्षों के साथ पृथ्वी हिल जाती है। चलिए जानते हैं कि आखिर ब्रह्मास्त्र किसने बनाया। वेदों पुराणों आदि में वर्णन मिलता है कि जगत पिता भगवान ब्रह्मा ने दैत्यों के नाश हेतु ब्रह्मास्त्र की उत्पत्ति की थी। ब्रह्मास्त्र का अर्थ होता है ब्रह्म, यानी ईश्वर का अस्त्र। दोस्तों, इंसानों को कैसे मिला ब्रह्मास्त्र, ये भी जानना जरूरी है। दोस्तों, प्रारंभ में ब्रह्मास्त्र देवी देवताओं के पास तो हुआ ही करता था। प्रत्येक देवी देवताओं के पास उनकी विशेषता अनुसार अस्त्र होते थे। देवताओं ने सबसे पहले गंधर्वों को इस अस्त्र को प्रदान किया, बाद में ये इंसानों ने अपनी विद्या और कौशल के दम पर हासिल किए। अब जानते हैं कि आखिर संपूर्ण हमारे इतिहास में कितनी बार ब्रह्मास्त्र का उपयोग हो चुका है। दोस्तों, कहते हैं कि प्राचीन भारत में कहीं कहीं ब्रह्मास्त्र के प्रयोग के जाने का वर्णन मिलता है। रामायण में मेघनाद से युद्ध हेतु लक्ष्मण ने जब ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करना चाहा, तब श्री राम ने उन्हें ये कहकर रोक दिया कि अभी इसका प्रयोग उचित नहीं है क्योंकि इससे पूरी लंका साफ हो जाएगी। लेकिन कहते हैं कि राम रावण युद्ध में ब्रह्मास्त्र का प्रयोग हुआ था। इसके बाद महाभारत के युद्ध में भी अश्वत्थामा ने इसका उपयोग किया था। अब जानते हैं कि किस किस के पास ब्रह्मास्त्र मौजूद था। दोस्तों, रामायण और महाभारत काल में यह अस्त्र गिने चुने योद्धाओं के पास था। रामायण काल में जहां विभीषण और लक्ष्मण के पास यह अस्त्र था, तो वहीं महाभारत काल में द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा, भीष्म पितामह, श्री कृष्ण, कुवालशव, युधिष्ठर, कर्ण, प्रद्युमन और अर्जुन के पास ये अस्त्र था। अर्जुन ने इसे द्रोण जी से पाया था। द्रोण को इसकी प्राप्ति राम जामदन्य से हुई थी। अब जानते हैं दोस्तों कि क्या ब्रह्मास्त्र से प्रलय उत्पन्न होता है। ब्रह्मास्त्र कई प्रकार के होते हैं, छोटे बड़े और व्यापक रूप से संहारक, ऐच्छिक, रासायनिक, दिव्य और मांत्रिक जो शक्तियां होती हैं उनसे भी सुशोभित होते हैं। माना जाता है कि दो ब्रह्मास्त्रों के आपस में टकराने से प्रलय की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। इससे समस्त पृथ्वी के समाप्त होने का भय रहता है। महाभारत में सैप्तिक पर्व के अध्याय 13 और 15 तक ब्रह्मास्त्र के परिणाम दिए गए हैं। वहीं दोस्तों, ब्रह्मास्त्र के बारे में ये भी कहा जाता है कि इसके परिणाम बहुत ही खतरनाक होते हैं। जहां पर भी ब्रह्मास्त्र छोड़ा जाता है, 12 वर्षों तक प्रजनन दृष्टि यानी कि जीव जंतु, पेड़ पौधे इत्यादि वहां उत्पन्न नहीं हो पाते हैं। अब जानते हैं कि ब्रह्मास्त्र की काट क्या है। दोस्तों, इस अस्त्र शस्त्र का काट किसी और के पास नहीं था। कहते हैं ब्रह्मास्त्र को ब्रह्मास्त्र से ही रोका जा सकता है या इसे वापस लेकर इसके परिणाम से बचा जा सकता है। अश्वत्थामा ने अर्जुन और श्री कृष्ण पर ब्रह्मास्त्र चलाया था, तब ऐसा ही हुआ था। वही दोस्तों, माना जाता है कि ये अचूक और सबसे भयंकर अस्त्रों में से एक है। जो व्यक्ति इस अस्त्र को छोड़ता है वो इसे वापस लेने की क्षमता भी रखता है, लेकिन अश्वत्थामा को वापस लेने का तरीका याद नहीं था, जिसके परिणाम स्वरूप उसने उत्तरा के गर्भ की ओर इसे मोड़ दिया। लेकिन इसके असर से मृत जन्मे शिशु को श्री कृष्ण ने जीवित कर दिया। प्रत्येक शस्त्र पर भिन्न भिन्न देव और देवी देवताओं का अधिकार होता है और मंत्र, तंत्र या यंत्र के द्वारा उसका संचालन होता है। ब्रह्मास्त्र अचूक अस्त्र है जो शत्रु का नाश करके ही छोड़ता है। इसका प्रतिकार दूसरे ब्रह्मास्त्र से ही हो सकता है, अन्यथा बिल्कुल नहीं। दोस्तों, आज के ब्रह्मास्त्र के ज्ञान में सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर अवश्य कीजिएगा। मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ। अब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए द भक्ति, क्योंकि इसी में है असली शक्ति।